हेलो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। आज मेरे यहाँ इसके तीन फ्लावर खिले हुए हैं फ्रेंड्स। ये भी भगवान से ही जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। इसे कृष्ण कमल कहते हैं और ये राखी बेल भी फ्रेंड्स इसे कहते हैं। देखें, मैंने इसे 10 इंच के पॉट में फ्रेंड्स लगाए हुए हूँ। और देखें, ये अभी इसी साल मैंने इसे लगाया है, बहुत छोटा सा प्लांट है। और इधर ये मेरा पर्पल वाला है फ्रेंड्स। पर्पल में अभी फ्लावर नहीं आया है, फ्लावर आके ख़त्म हो चुके हैं। अभी ये रेस्ट पीरियड में है फ्रेंड्स। फिर इसमें 10-15 दिन के बाद देखें ये कलियां बन रही है, तो फिर इसमें फ्लावर आना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये रेड है फ्रेंड्स, देखें ये बहुत कॉमन नहीं मिलते हैं, बहुत खोजने पर मिलते हैं रेड वाले फ्रेंड्स। मेरे पास व्हाइट वाले भी थे, लेकिन वो प्लांट मेरे पिछले साल सूख गए फ्रेंड्स। बहुत बड़े प्लांट थे, मैंने उसे बड़े पॉट में लगा दिया था फ्रेंड्स। तो इसको ना फ्रेंड्स पानी बहुत माने कम चाहिए। इसके जो ये बहुत नाजुक होते हैं, इसके रूट जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं फ्रेंड्स, तो इसे पानी बहुत कम चाहिए फ्रेंड्स। इसे ज़्यादा पानी देने से ये गल जाते हैं। तो मैंने भी वही गलती किया, बड़े पॉट में सोची कि मैं इसे लगा देती हूँ। प्लांट थोड़ा मैच्योर हो गया था, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन रेड वाले को मैं सोची हूँ कि अभी 10 इंच के पॉट में ही मैं इसे 2-3 साल रहने दूंगी। जब रूट पूरा बन जाएंगे फ्रेंड्स, तब मैं इसमें रिपोर्ट इसका करूँगी फ्रेंड्स। तो देखें अभी इसमें कितने सारे कलियाँ बने हुए हैं फ्रेंड्स राखी बेल में। कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये पांडव हैं, ये कौरव हैं, ये द्रौपदी है, ये कृष्ण हैं, ये पांचों हैं सो पांडव हैं, ये जो हैं सो कौरव हैं फ्रेंड्स, और ये बीच में जो हैं सो कृष्ण हैं फ्रेंड्स। तो लोग इसे इसी तरह से कहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसके बहुत सारे कलर आते हैं, पर्पल आते हैं, वाइट आते हैं, पिंक आते हैं और रेड आते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इसे लगाएं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे प्लांट हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि ये बहुत शुभ प्लांट हैं। इसका जैसे कि आप नील कमल हुआ, जैसे कमल हुआ, नील कमल हुआ, ब्रह्म कमल हुआ फ्रेंड्स, उसी तरह से इसको कृष्ण कमल कहते हैं फ्रेंड्स। एकदम कमल के फूल के तरह ये रहते हैं फ्रेंड्स, देखें एकदम पूरे कमल के फूल के तरह ये रहते हैं फ्रेंड्स, देखें। तो ये बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, बहुत शुभ होते हैं, घर में लगाना चाहिए फ्रेंड्स। और ये वाइन होते हैं, देखें ये वाइन है। तो मैंने इसे इस तरह से लतरा रही हूँ, इसे इस तरह से ये जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरा पर्पल वाला है फ्रेंड्स, और ये मेरा रेड वाला है। और मिट्टी जो फ्रेंड्स मैंने तो वही तैयार करती हूँ, देखें मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट, राइस हस के यही सब डाला है फ्रेंड्स। मैं इसमें ऑर्गेनिक ही अभी डाल रही हूँ, क्योंकि प्लांट बहुत अभी छोटा है, ज़्यादा मैच्योर नहीं है। जब मैं लाई थी तो इसे डंडे के सहारे लगाई हुई थी फ्रेंड्स, और अब मैं इसे रस्सी के सहारे देखें मैं इसे लतरा रही हूँ। ऊपर तक ये जा रहा है और ये अभी यहीं तक गया हुआ है फ्रेंड्स। बाकी ये पर्पल वाले के वाइन है, तो अभी इसी में बहुत अच्छे फ्लावर दे रहे हैं। हमें तो लगता है कि पिंक रेड वाले पर्पल वाले से ज़्यादा फ्लावर देते हैं फ्रेंड्स। देखें बहुत सारे मैं इसका फ्लावर ले ली हूँ, 1-2 रोज फ्लावर रोज निकल जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस प्लांट को लगाएं फ्रेंड्स, ये बहुत शुभ प्लांट है, अब घर में रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। थैंक यू।